हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेक्टेंगुलर पीसेस से पर्स, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं ना आप, कलर कितने प्यारे लग रहे हैं, और इन्हीं रेक्टेंगल से हम आज पर्स बनाना देखेंगे। तो चलिए, पहले हम ये रेक्टेंगल बना लें। तो हमें ये काउंट चाहिए 4। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ चेन बना ली है, ये है चेन हमारी तैयार। और अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो ये चेन का काउंट अगर आप पूछें तो ये है 25 चेन प्लस 3 चेन एक्स्ट्रा। तो ये 3 चेन हम काउंट करके फोर्थ में हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल्स बनाएंगे जी। इसके बाद ये देखिए, ये 2 डबल्स हो गए। एक चेन हमने बनाई और बिल्कुल उसी जगह पर हम एक और डबल बनाएंगे। तो देखिए, ये 20 स्टिच बन गया। इसके बाद हम स्किप करेंगे 2 चेन और थर्ड चेन में हम क्रोशिया डालकर फिर से 1 2, और थर्ड चेन में हम क्रोशिया डालकर फिर से डबल्स बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और फिर एक और डबल्स। तो इस तरह से हम ये 2 2 चेन स्किप करेंगे और वी स्टिच बनाते रहेंगे। वी स्टिच, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, इस तरह से हम ये बनाएंगे। देखिए, ये वी स्टिच बहुत ही इजी स्टिच है और बहुत ही प्यारा, और ये एक टेक्सचर भी दे रहा है हमारे रेक्टेंगल्स को। तो ये हमने पूरा कंप्लीट करके और लास्ट में हमने एक डबल बनाना है, 1 डबल बनाना है। वी स्टिच हो गया और लास्ट में हमने 1 डबल बनाया। तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने वी स्टिच करे हैं। तो हम ये कंप्लीट करेंगे और 8 वी स्टिच हम कंप्लीट कर लेंगे, 3 4 5 6 7 8, और अब हम लास्ट में ये 1 डबल बनाएंगे। तो 8 वी स्टिच, पहला हमने एक चेन का एक डबल काउंट होगा, फिर हमने 8 वी स्टिच बनाए और लास्ट में हमने फिर 1 डबल बनाए। अब हम 1 चेन करके इसे टर्न करेंगे और बिल्कुल उसी जगह पर उसी डबल्स के ऊपर हम 1 डबल फिर से बनाएंगे। अब वी स्टिच का जो ये चेन स्पेस है, इसमें हम क्रोशिया डालकर 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल बनाएंगे, यानी वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये 8 V स्टिच है, इनके ऊपर 8 V स्टिच हम आगे बनाएंगे और इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। टर्न करने पे हम 1 चेन बनाएंगे जिसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये इस तरह से आप बनाते जाइए। बिल्कुल इजी पैटर्न, इजी डिजाइन आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर, यानी अंशुमन के धागे पर, और आप उन्हें इजीली कॉपी या आप उन्हें इजीली बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये पर्स कैसा लगा। तो ये इसी तरह से हमने देखिए, ये वी स्टिच से ये रेक्टेंगल बना रखा है, ये देखिए। तो इसी तरह से आपको ये रेक्टेंगल बनाना है। तो ये हम इसी तरह से इंक्रीज करते जाएंगे और हम एक एक स्टिच काउंट करते, यानी एक एक रो काउंट करेंगे और उसी रो के हिसाब से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमने ये काउंट करके कंप्लीट करा है। अब हम यहाँ पर 1 चेन बनाकर, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम इसको एक सिंगल क्रोशे की लाइन से इसे रो को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी पूरे में एक सिंगल क्रोशे का हम रो बनाएंगे। तो इसका क्या फायदा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये देखिए कि हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ पर तो बहुत इजी है हमारे लिए ये सिंगल क्रोशे बनाना, क्योंकि यहाँ पर चेन आ रही है ऊपर, हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाते जा रहे हैं। तो ये हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब टर्न करने पे और
हमारे जहाँ पर डबल्स आ रहे हैं वहां पर है हमें इस तरह से बनाना है। तो ये देखो सिंगल क्रोशिया हमने कंप्लीट करा। अब हम यहाँ कॉर्नर पर आ गए, तो कॉर्नर पर देखिए आपको ध्यान देना है कैसे करना होगा। तो यहाँ कॉर्नर पर जब हम आ जाएंगे, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर वाला जब हमारा चेन होगी, तब हमें कॉर्नर पर टर्न करना है। तो कॉर्नर पर टर्न करने के लिए देखिए कॉर्नर वाला इसी जगह पर हम टू सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, यानी कि एक तो हम बनाते ही आ रहे हैं, दो और बनाएंगे, तो टोटल थ्री सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे चेन नहीं है बल्कि डबल्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पर डबल्स हमारे कंप्लीट हो रहा है वहां पर हमें वन डब सिंगल क्रोशे करना है, और जहाँ पर डबल्स की लेंथ आ रही है वहां पर हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। तो यानी एक डबल पर हम टू सिंगल क्रोशे करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप उसे पूरा करेंगे तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, और आप टर्न करने पर थ्री सिंगल क्रोशे करिए, और ये देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से आपका ये राउंड बनते जाएगा। तो आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, आपको ये स्टेप जरूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट करेंगे हम इस तरह से। तो कंप्लीट करने पर भी हमें ध्यान देना है कि लास्ट वाले में हम टू थ्री डबल क्रोशे हम वहां पर भी बनाएंगे, और फिर एक चेन बनाकर उसे टाइट कर लेंगे और इसे कट करके हम अलग कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे ये तैयार हो गए रेक्टेंगल। बिल्कुल इसी तरह से अब ये चारों रेक्टेंगल हमारे इक्वल साइज के हो गए। अब देखिए हमें इसे अरेंज कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा। ये देखिए एक हमें हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रखना है, लेकिन उनके एक पॉइंट हमें बिल्कुल मिलाकर रखना है। ये देखिए ये पॉइंट हमें बिल्कुल मिलाकर रखना है, और इनको हम सेफ्टी पिन या स्टिच मार्कर की मदद से हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो आप यहाँ पर स्टिच मार्कर, सेफ्टी पिन या फिर पेपर क्लिप, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, और आप इस तरह से उसको सिक्योर करेंगे। तो ये इस तरह से जुड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट दो पीस लेंगे हमारे और उनको इस तरह से रखेंगे। तो जहां पर हमने हॉरिजॉन्टल पीस रखा था वहां वर्टिकल, और जहां वर्टिकल था वहां हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हम ये पीस रखेंगे और उन्हें भी वन बाय वन हम सेफ्टी पिन से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके इन्हें सेफ्टी पिन से सबको अटैच कर लेंगे। तो ये सेफ्टी पिन से अटैच करने का हमें ये फायदा होगा कि हमें पता रहेगा कि हमें कब कौन सी जगह पर इस चीज को अटैच करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अच्छे से सब जगह से सेफ्टी पिन से अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से अटैच। ठीक, अब हम ये हो गया इससे दोनों, ये अटैच हो गया और ये अटैच हो गया। तो ये हमारा बेस बनेगा ये सारा जोड़कर। अब हमारी साइड की जो बननी है बॉडी या पर्स की जो बॉडी होगी वो कैसे बनेगी, तो वहां पर हमें ये इस तरह से जोड़ने होंगे। तो हम इसको बिल्कुल परफेक्ट करके रखेंगे एक साथ, और यहाँ पर हम इसे पिन कर देंगे, सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए इसे ऐसे ही रखिए, और अब नेक्स्ट को हम टर्न करेंगे और बिल्कुल बराबरी में रखकर हम सेफ्टी पिन से अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे कि ये ऊंचे नीचे है, तो आपके ये ऊंचे नीचे ही रहेंगे, ऊंचे नीचे ही रहेंगे। आप बार बार मैं कह रही हूँ, आप परेशान मत होइएगा कि ये बराबर नहीं है, ये ऊंचे नीचे ही रहेंगे। देखिए इसको भी बिल्कुल इसी तरह से अटैच कर लीजिए। अब हमारा लास्ट एक ही रह गया है, हमने तीन पीस अटैच कर दिए, तो जो लास्ट पीस रह रहा है हम उसको भी इस तरह से अटैच कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे। इसको भी हम सेफ्टी पिन करके इसको भी हम सिक्योर कर लेंगे। अब देखिए हमें ये अटैच करना है
अटैच करने में आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगाई है वो इक्वल डिस्टेंस हो, यानी इक्वल रो छोड़ने के बाद ही आपका ये अटैच होगा, है ना। तो उसको एक बार काउंट जरूर कर लीजिएगा और फिर इस तरह से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रे कलर ही लिया है या सिल्वर कलर, ग्रे कलर ही लिया है और उसी से मैं अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और इसको अटैच करेंगे। देखिए ये हो गया, ये सिंगल क्रोशे हम यूज करेंगे, सिंगल क्रोशे का, और सिंगल क्रोशे का यूज करके हम इसको अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका फायदा होगा, यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशे करे हैं दोनों साइड से हम एक एक सिंगल क्रोशे लेंगे और इनको अटैच करेंगे, यानी कि दोनों साइड से एक एक सिंगल क्रोशे की चेन लेकर हम फिर उनमें एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। ये देखिए इस तरह, फिर देखिए दोनों में से एक एक लिया और फिर सिंगल क्रोशे, दोनों में से एक एक लिए चेन और सिंगल क्रोशे खड़ा। देख बहुत ही इजी ज्वाइनिंग है, आपको कोई नीडल की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इजीली इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग क्रोशिया यूज करते हैं ना उनको बहुत इजी लगता है क्रोशिया से ही ज्वाइन करना, तो हम क्रोशिया से ही ज्वाइन करेंगे। और ये हम देखिए मैंने ये यहाँ तक ज्वाइन कर लिया। अब जब यहाँ पर टर्न करना था तो वहां पर भी देखिए वही थ्री, आपको थ्री सिंगल क्रोशे करने थे टर्न करने पर, और फिर हम आगे अब बिल्कुल इजीली ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पर बराबर गिन कर फंदे करे हैं। तो हम एक एक चेन हम दोनों में से लेते रहेंगे और सिंगल क्रोशे इसको करते रहेंगे इस तरह से। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये देखिए ये हम यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। आप इसमें बहुत सारे कलर्स का यूज कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के कलर्स यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बन के आएगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और वहाँ मुझे टैग करके आप मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब देखिए मैंने यहाँ से ये पिन हटा दी है और मैं यहाँ पर ये सिंगल क्रोशे करके लास्ट तक ले आई हूँ इन्हें ज्वाइन करने में। जी देखिए अब देखिए हम आगे इसे ज्वाइन करेंगे, तो आगे ज्वाइन करने के लिए पहले मैंने वहां पर पिन हटाई है, पिन इसलिए हटाई है क्योंकि वो धागे में फंस रही थी, तो इसलिए मैंने अब देखिए पिन हटाई है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो बिल्कुल जहां हमने ज्वाइन करा आखिरी तक, ये ज्वाइन कर लिया है आखिरी तक, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारा ये नीट रहे, यानी ज्वाइन बिल्कुल क्लम्सी ना हो, मतलब इकट्ठा ना हो वो, और बिल्कुल नीट रहे हमारा ये ज्वाइन। तो इसके लिए मैंने पहले पिन हटाई है और बाद में मैं इन्हें बुन रही हूँ। अब मैंने दोनों में से एक एक चेन में फिर क्रोशिया डाला, धागे को लिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया बिल्कुल नॉर्मल, ताकि धागे में कोई डिस्टेंस ना हो, बड़ा धागा ना आ जाए, ताकि उस वहां पर हमारा छेद या क्लम्सी ना लगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा यहाँ पर ज्वाइन, ताकि ये एक सार बिल्कुल आपका ज्वाइन होता चले। तो इस तरह से अब हम इसको आगे बुनते चलेंगे। ये जो धागे बीच में आ रहे हैं मैं उनको साथ के साथ दबाती भी जा रही हूँ, आप देख सकते हैं, और ऐसा करने से ये साथ के साथ ये धागे हमारे दबते रहेंगे और नीटली ये ज्वाइन होता रहेगा। देखिएगा इधर इधर बिल्कुल धागा हमारा लंबा नहीं है और धागे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो ये इसी तरह से हम यहाँ ज्वाइन करेंगे और फिर इसको यहाँ तक हम ज्वाइन कर लेंगे पूरा यहाँ। और उसके बाद देखिए ये मैंने बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन कर लिया है, ये बिल्कुल यहाँ तक, और अब मैंने दूसरा हिस्सा भी ये ज्वाइन कर लिया है। देखिएगा दूसरा हिस्सा भी
इस तरह से। और इसमें भी मैं आपको सेंटर की तरफ अब हम आ रहे हैं, तो सेंटर का हिस्सा मैं आपको ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छे से दिखाना चाह रही हूँ, ताकि आप उसको ध्यान में रखकर बिना किसी उसकी सफाई से इसको जोड़ सकें। तो इस तरह से देखिए, ये सेंटर तक मैं ले आई हूँ धागे को जोड़ते हुए। एक और रह गई है चेन, हम इसको भी जोड़ लेंगे, और इसको भी हमने सिंगल क्रोशे से जोड़ लिया। अब देखिए, अब मैं इस धागे इसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लूंगी, क्योंकि हम इस वाले धागे को लेंगे तो वो ऊंचा उठा और मोटा सा हो जाएगा, तो हम सीधे दूसरे वाले धागे की तरफ आएंगे और उसमें चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बिल्कुल ऐसे ही हम एक एक चेन दोनों में से लेते रहेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम लेते जाएंगे और बुनते जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ये आपको जोड़ने में 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप इसे पूरी आराम से अच्छी तरह से जोड़ लेंगे। तो ये यहाँ तक हम जोड़ेंगे, यहाँ कॉर्नर पर 3 सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर टर्न हो जाएगा और हम यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक जॉइन। अब देखिएगा, ये कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। ये देखिए, ये जॉइन और जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो आप काट के उन्हें अलग कर दीजिए या अंदर की तरफ दबा दीजिए। तो ये अब हमारा बैग की बॉडी लगभग तैयार हो गई है। देखिए, ये जॉइन है, ये अंदर की तरफ का है, मैंने इसे अंदर की तरफ का हिस्सा रखा। आप चाहे तो इसे सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर से जॉइन की तरफ से ही सीधा रखूंगी और हम अब यहाँ पर हैंडल्स बनाएंगे। ये इस तरह से हम हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक रो हम सिंगल क्रोशे की करेंगे। सिंगल क्रोशे की एक रो करके फिर हम हैंडल बुनना शुरू करेंगे। तो हैंडल किस तरह से बुनेंगे, देखिए, हमने पहले एक स्लिप स्टिच करके नॉट बना ली और हम इसको यहाँ पर चेन में ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये चेन में हम ज्वाइन करेंगे। हम ये चार डबल्स की हम स्ट्रैप बना रहे हैं, इजी बिल्कुल, चार डबल्स की हम स्ट्रैप बना रहे हैं। देखिए, हमने ज्वाइन करा, 1, 2, 3, 4, और ये टर्न करा हमने एक चेन बनाकर। देखिए, अभी 4 है, ये 1, 2, मैं शायद काउंटिंग गलत कर दी, 2, 3, और सबसे पहले जो हमने चेन बना के लिया था वो 4। तो ये 4 डबल्स, फिर हम चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और फिर 4 डबल्स हम बुनेंगे। ये कुछ साधारण हम स्ट्रैप बनाएंगे और आप इसको पूरा बनाकर दूसरी साइड ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से यहाँ से हम बनाकर यहाँ जाएंगे। स्ट्रैप की लेंथ आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं या आप किसी पर्स से नाप कर उसको रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप जैसे रखना चाहें। तो देखिए, ये है मेरा पर्स, बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए, मैंने ये शोल्डर पे टांगने के लिए इसके लिप स्ट्रैप बनाए हैं। देखिए, कितना प्यारा पर्स लग रहा है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।